जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने वाले हम लोग ग्लेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, इसका जो प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, तो इस वजह से बहुत से लोग घबराए हुए हैं, खासकर वो लोग जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में इसमें पैसा लगाए हैं। तो इन सारी चिंताओं को इस वीडियो में मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि यदि प्राइस इसका लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो एक सीमा के नीचे इसका प्राइस नहीं जाएगा। प्राइस नीचे आ रहे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक लेवल तक ही आएगा और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ उठने लगे। तो यदि आप किसी भी लेवल पर बाई किए हैं, तो आपको बिल्कुल इसमें डरने या घबराने वाली बात नहीं है। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये जो डर आपको बना हुआ है उसको मैं कवर कर लूंगा, और फिर बाद में जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर जो आप देखेंगे, स्टोन टेक्सटाइल्स को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ, तो स्टॉक आपको ईएसएम की कैटेगरी में दिखेगा। तो सामान्यतः जब भी लोअर सर्किट लगता है, तो उसके साथ ही ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी में सेबी के द्वारा स्टॉक को डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये उतनी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है, और लोअर सर्किट लगने की वजह से लोग अभी कोई व्यक्ति बेचना भी चाह रहा है तो उसको बेच नहीं पा रहा है। यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो आपको दिखेगा स्टॉक पिछले 3 दिनों से लगातार और लोअर सर्किट में चल रहा है। हालांकि बीच बीच में अपर सर्किट भी इस स्टॉक में आपको लगते हुए दिखता है, और ये अपर सर्किट जब लगता है तो दिक्कत ये होता है कि उस समय फिर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। वॉल्यूम बढ़ना जरूरी है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर अपर सर्किट कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, जिस वजह से लोअर सर्किट बीच बीच में लग गया और फिर ये दिक्कत आ रहा है आपको कि आप इस स्टॉक को सेल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लिस्टोन टेक्सटाइल को जब आपने बाई किया था, तो क्या उस समय आपका मोटो था, क्या सोचकर आपने बाई किया था? यदि शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया था, फिर भी कुछ तो आपके मन में रहा होगा कि इस लेवल तक आप इसको होल्ड करेंगे और इस लेवल से ज़्यादा नीचे चला जाएगा तब वहाँ पर सेल करेंगे। तो लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगने की वजह से इसको सेल या बाई मत किया कीजिए। आप जो सोच कर सेल करना चाहते हैं, जो बाई किए थे और उसके बाद जो सेल करना चाहते हैं, उस लेवल तक जो प्राइस है तो वहाँ पर फिर बाई सेल किया कीजिए। अभी देखेंगे तो अभी मैंने एक हल्का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को, और यहाँ पर मेन चीज़ को आप जरा ध्यान से समझेंगे। अभी देखिए, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, जो 60 पैसा का लेवल, इसके लिए एकदम इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट महा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल मतलब इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, और ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 80 पैसा का लेवल, ये इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये हो गया आपको रेजिस्टेंस और ये नीचे वाला लाइन हो गया सपोर्ट। अब ध्यान से समझिए, अभी प्राइस क्या है कि आप ध्यान से समझिए, इसमें जो प्राइस था, कुछ दिनों तक समय बिताया, समय बिताने के बाद बहुत से लोग, सभी लोग लगभग जानते हैं जो मेरे चैनल के व्यूवर्स हैं, कि कंसोलिडेशन से जब ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर जाता है। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे हो सकता है पहले इसका रेजिस्टेंस रहा हो और काफी प्राइस बढ़ भी गया था, तो प्रॉफिट बुकिंग बंद था। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद प्राइस नीचे आया, हालांकि इतना नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन पेनी स्टॉक है तो इसमें कुछ भी संभव हो सकता है कि ऑपरेटर के द्वारा इस प्राइस को फिर यहाँ से डाउन करके प्राइस को फिर इसी रेंज में जहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ था ला दिया गया। देखिए, यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ था और फिर प्राइस इसी रेंज में आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे फिर से प्राइस समय बिताएगा, और समय बिता के फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा, तब इजली आपको ये जो लेवल है यहाँ तक तो आएगा ही, और फिर यहाँ तक आने के बाद थोड़ा समय बिताएगा और फिर यहाँ पे समय बिता के प्राइस ऊपर निकलेगा, तो आपको कम से कम 2.5 से 3 रुपये तक, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में आपको प्राइस 2.5 से 3 रुपये तक जाते हुए दिखेगा, तो आप यहाँ तक ले जा सकते हैं। अभी आपको क्या करना है कि अभी चूंकि प्राइस फिर से इसी रेंज में आ गया है, तो इस रेंज में अब आकर समय बिताएगा, और समय बिताएगा मतलब ना प्राइस इसके ऊपर जाएगा ना अभी इसके नीचे आएगा, तो आपके लिए तो एक सेफ जोन हो गया कि प्राइस इसी दो प्राइस के बीच में रहेगा, तो आप होल्ड करके बैठे रहिए। जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा फिर आप बेच के निकल जाएगा। अब चाहे आप यहाँ पर बाई किए हों, यहाँ पर बाई किए हों, एकदम टॉप पर बाई किए हों, फिर भी आपके लिए ये एक सेफ जोन है कि प्राइस इसके फिलहाल नीचे नहीं जाने जाए। थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन उससे नहीं घबराना है। मेन जो कंसर्न है कि प्राइस इससे जब बाहर निकलेगा इस रेंज से, तो प्राइस यहाँ से आपको ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है काइंड ऑफ डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन भी होगा, और जब भी डब्ल्यू बनता है तो प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखता है। तो आप बस ऊपर जाने तक, इसे इस मतलब रेंज से बाहर निकलने तक का वेट कीजिए। प्राइस आपको इजीली जहाँ से उठा था एकदम कम से कम वहाँ तक लिए जरूर जाएगा, और नीचे आता है तो आपको मैं बता दूं थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। ये जो लेवल देख रहे हैं, ये जितना निकला है इस रेंज को ब्रेक करने के बाद, उतना नीचे आ सकता है, उसके नीचे जाने के चांसेस इसके नहीं रहेंगे। तो ये हो गया मोटा मोटी बात टेक्निकल एनालिसिस, जो जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, वो जो बात बोल रहा है वो मैंने आपको चार्ट पर बता दिया। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से सोच सकते हैं आपको क्या करना है। बेचने का आपको एकदम मचा ही हुआ एग्नियम को बेच के निकलना है, तो बेशक आपकी फैसला है, आपकी मर्जी है, आप बेच के निकल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है आपको पॉइंट बताना, अपना व्यू शेयर करना, मैंने यहाँ पे ये शेयर किया। अब ध्यान से समझिए, बहुत से लोगों का कंसर्न है कि क्वार्टर्स का जो रिजल्ट आ रहा है कंपनी के, वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। पेनी स्टॉक में सबसे पहली जो सेल्स होता है, यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर्स का रिजल्ट, पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का कोई सेल्स नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूँ, पेनी स्टॉक में खासकर इस तरह के जो स्टॉक हैं, टेक्निकल के माध्यम से ज़्यादा चलते हैं। फंडामेंटल तब मायने रखता है जब आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल काम आता है। शॉर्ट टर्म में यदि आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के हिसाब से पैसा बनाने की कला जानते हैं, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये बात सही है, एक सेल्स नहीं हो रहे हैं, कंपनी का सेल्स नहीं होने की वजह से प्रॉफिट जो है लॉस में तब्दील हो गया है। उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी का जो बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में आप पाएंगे पहले से कंपनी के पास धीरे धीरे देखिए कर्जा बढ़ते जा रहा है, 14 लाख से 52 लाख हुआ, 52 लाख से फिर 70 लाख हो गया। हालांकि इसी बीच में कंपनी का जो रिजर्व पैसा है पिछले क्वार्टर मुकाबले बढ़ते हुए दिखा है फ्री कैश फ्लो, इसलिए इस बार जो ये डेप्ट बढ़ा ये उतना मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी फंडामेंटल कंपेरेटिवली देखें तो उतना हमको स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन फिर भी यह भी देखिए कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में यह भी पॉसिबल है कि फंडामेंटल कंपनी का बेहतर हो जाए, तो लॉन्ग टर्म की तो कोई नहीं सोचता, क्योंकि येलोस्टोन टेक्सटाइल्स टेक्सटाइल के सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और टेक्सटाइल के सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट भी इसको इम्प्रूवमेंट करने के, टेक्सटाइल के सेक्टर को भारत में नंबर वन बनाने के लिए काम कर रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसका फंडामेंटल बेहतर हो जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म आपको क्या करना है वो जानकारी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।